हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे पबजी अल्टरनेटिव यानी पबजी कॉपी वर्जन गेम बताने वाला हूं, जिनमें तीन गेम मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो पबजी लाइट के तौर पर यूज किया जा सकते हैं, जिनकी स्टोरेज कम है वो पबजी लाइट की तरह इन गेम को यूज कर सकते हो और पबजी जैसा आपको मजा भी देंगे। और दो गेम ऐसे बताऊंगा जो जिनकी स्टोरेज ज़्यादा है, ये उनके लिए दो गेम है। तो पांच गेम बताने वाला हूँ टोटली इस वीडियो के अंदर, अमेजिंग गेम है, आप खेल के देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा इन गेम को खेलने में। तो दोस्तों, आपको कल पता ही होगा, कल अक्षय कुमार जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक गेम की जानकारी दी थी, फाउजी, जो अक्टूबर तक आ सकता है प्ले स्टोर पर। तो दोस्तों, वो गेम अक्टूबर तक आ सकता है, तो आप उसे अक्टूबर में डाउनलोड करके खेल सकते हो। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ मैं, अक्टूबर तक जानकारी मिली है, आ सकता है प्ले स्टोर पर, आपको अवेलेबल हो जाएगा अक्टूबर तक। पर जब तक के लिए आप इन पांच गेमों से कोई सा भी गेम डाउनलोड करके देख सकते हो और मजा उठा सकते हो पबजी जैसा, तो काफ़ी अमेजिंग गेम है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही पांच गेम बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लो प्रेस। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैंने नंबर वन रैंकिंग दी है ब्लड राइवल्स को। ब्लड राइवल एक खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया गेम है जो पबजी लाइट जैसे गेम की तलाश में है। तो पबजी लाइट जैसे इसमें आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, एक्शन, गेम, प्लेयर्स, सब कुछ इसमें आपको पबजी लाइट जैसा देखने को मिल जाएगा। तो ये गेम खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास स्टोरेज वर्जन कम है। तो दोस्तों, आप इसे देख सकते हो डाउनलोड करके, ब्लड राइवल इसका नाम है और करीब एक 189 MB का है और 1 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स भी हैं। तो काफ़ी लोगों ने इसको डाउनलोड भी कर लिया है, तो आप देखिए और बताइए कि ये गेम कैसा है ब्लड राइवल। तो दोस्तों, ठीक है, और सेकंड नंबर पर मैंने रैंकिंग दी है, ये गेम खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी स्टोरेज वर्जन ज़्यादा है, क्योंकि ये गेम है 1.4 GB का, लास्ट आइसलैंड ऑफ सर्वाइवल 1.4 GB का गेम है। अब पबजी की तरह आपको अमेजिंग फीचर्स देगा, पबजी जैसी स्टाइल है, पबजी जैसा एरिया, पबजी जैसे इसके प्लेयर, सब कुछ इसमें आपको पबजी जैसा देखने को मिल जाएगा। और इसके कुछ खास फीचर्स भी हैं जो पबजी से अलग हैं। 1.4 GB का है और इसके डाउनलोड्स हैं 5 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं और 1.4 GB में है, लास्ट आइसलैंड ऑफ सर्वाइवल। तो ये रहे दो गेम। और तीसरा गेम है दोस्तों क्लैश ऑफ क्लैन। क्लैश ऑफ क्लैन गेम बहुत पुराना गेम है जो पबजी से तो बहुत समय पहले आया था, पर ये पबजी की तरह इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। पर बात करें इसके पॉपुलरिटी, तो जो बहुत अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेम है, क्योंकि इसमें सबसे पहले इसमें एक्शन वगैरह जो कुछ भी एरिया दिखाते हैं पबजी में, वो कुछ इसमें बहुत पहले ही दिखा चुके हैं गेम वाले। क्लैश ऑफ क्लैन 143 MB का गेम है, 500 मिलियन से भी ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं दोस्तों क्लैश ऑफ क्लैन के, काफ़ी पुराना गेम है। पर बात यह है, आप खेल के देखना और बताना कि आपको कैसा लगता है क्लैश ऑफ क्लैन। और ये हो चुके हैं हमारे तीन गेम। और चौथे नंबर किंग भी है हॉपलेस लैंड। हॉपलेस लैंड पबजी जैसा गेम है, बिल्कुल पबजी वर्जन है, आपको सब कुछ इसमें पबजी जैसा देखने को मिल जाएगा। और ये गेम उन लोगों के लिए है जो पबजी लैंड जैसे गेम की तलाश में है। हॉपलेस लैंड 330 MB का गेम है और पबजी जैसा है, एकदम पबजी जैसे एक्शन, पबजी जैसा सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। पबजी का अल्टरनेटिव वर्जन है हॉपलेस लैंड, 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, तो डाउनलोड्स भी बहुत लोगों ने कर लिया है हॉपलेस लैंड को। तो आप इसको खेल कर देखिए और बताइएगा कैसा है हॉपलेस लैंड, आपको इसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपको हॉपलेस लैंड के साथ। और दोस्तों, लास्ट में पाँच नंबर मैंने रैंकिंग दी है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को। रैंकिंग पाँच तो नहीं पर नंबर वन होनी चाहिए थी, पर मैंने पाँच दी है क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी को लोग खेलते तो हैं, पर खेलने के बाद पबजी के चक्कर में लोगों ने इसको कर दिया था अनइंस्टॉल। पर काफ़ी अमेजिंग गेम है, पबजी से भी अच्छे अच्छे इसमें फीचर्स दे रखे हैं। अब आप पबजी तो चला गया, पर अब आप इसको खेल कर देखना कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को, अमेजिंग है एकदम, पबजी से भी ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के। 100 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं इसके कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के, अमेजिंग गेम है, 1.4 GB का है। पर ये बात ध्यान रखना, जैसे पबजी मोबाइल था ना, उस तरीके का गेम है, ज़्यादा वर्जन वाले लोगों के लिए। तो आप इसको खेल कर देखना और डाउनलोड्स करना। इसी के साथ चलता हूँ दोस्तों।